अस्सलामुअलैकुम। ये देखें, यूएई में खजूरें पक्के डोके बन चुकी हैं। हाय, अबू धाबी होंदा तो मैं तोड़ लेंदी। ऐ की है, गोल गोल ये भी खजूरें तो आमले नहीं लग रहे। ले मैं पहली दफा ही देखी है। फिर ये मेरे ख्याल अज वह खजूर है। और भाई सानू मिलता जाता पाकिस्तानी भाई अंकल, सॉरी भाई नहीं कहने अंकल। यार इन्हों ने फसे, इन्होंने तो साढ़े पाकिस्तान ना भी ज्यादा पौधे लाए ने। गरमास मचाया पे पौद्या का, दुनिया का हर पौधा लग्या हुआ इन्होंने घर। आ भी उ खजूर ने। मैं गोल खजूर वाला पौधा पहली दफा देखा। ये अजवा खजूर होंगी है गोल, और ये आपकी आंखों के सामने है ग्रैंड मॉस्क ऑफ फुजेरा। वही है ना बड़ी? हाँ, ये बड़ी मस्जिद द ग्रैंड मॉस्क। वो देखो लड़की गुजरन की जगह। अरे जख्मी इंसान को लेके घूमना भी एक मुसीबत ही है। अम्ब्रेला बार बार बाजू के ऊपर रख रही हूँ, लेकिन फिर भी कितों ना कितों धुप लग ही रही है। तो उन्होंने मैं बनाया है अपने हाथ में हेलीकॉप्टर। आपको पता है मेरे पास तो हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट जेट है मेरा अपना साथी। रुक जाए, रुकते नहीं लोग। ये गाड़ियाँ नहीं रुकती, फुजेरा है ये। दुबई में अगर आप वहाँ पे खड़े भी होते हो ना, उसी वक्त गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपके लिए। लेकिन ये है फुजेरा, यहाँ पे आपको ही रुकना पड़ता है, आवाम नहीं रुकती। यहाँ की सुआ जैसे बोया है नीचे। अब बाबे ने कह मैं धुप्पे टुरा, शायद जल्दी पतला हो जाना ना मेरे रंगा। ये है फुजेरा की ग्रैंड मॉस्क। कितनी खूबसूरत रात में, बहुत खूबसूरत होती है क्योंकि यहाँ पे टू मच लाइटें जल रही होती हैं और ये रात को और खूबसूरत होती है। और अभी हम जा रहे हैं फुजेरा के डाउनटाउन की तरफ। कितनी प्यारियाँ लग रही हैं ना, चमकियाँ हैं। और ये देखो रनवे बनाया हुआ है उन्होंने। मैंने आ तेरी छोटी पॉकेट। लोग रनवे पे जॉगिंग ट्रैक पे शिखर दोपहर जॉगिंग कर रहे हैं। साढ़े रंगे अगर करें तो लोगों ने कहना है पागल ने, इन्होंने दिमाग सट गया होया, धुप्पे जॉगिंग कर रहे ने। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती, यहाँ पे लोग अपने टाइम के मुताबिक हर काम करते हैं। साडा पाकिस्तान होए तो कहना सी ये पागल ने धुप्पे दौड़ लाई हुई। ये पता है क्या, ये किचन है, मतलब हाँ खुशबू आ रही है ना। ये किसी वो मतबख बनाया हुआ है किसी ने, शेखों ने। और अभी हम जा रहे हैं फुजेरा के डाउनटाउन की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये देखें, तो ये देखें अभी हम पहुंच गए हैं फुजेरा के डाउनटाउन में। ये सामने लूलू है, लूलू हाइपर मार्केट है सामने। नहीं मैं तो वड्डी करनी सी पिक्चर ओटी। ये देखें, और ये है हाँ जी, ये है डाउनटाउन फुजेरा का। तो ये देखें, ये है, हम वहाँ से चल के आए हैं जहाँ आपको पौधे नजर आ रहे हैं। तो ये है यहाँ की खूबसूरती यूएई की। और ये सामने लूलू हाइपर मार्केट, इधर हमने जाना है विंडो शॉपिंग करने या फिर सच्ची मुच्ची की शॉपिंग। इत
थे बहुत लेट चल दिन। और सामने है फुजेरा द एयरपोर्ट। और आई एम मरीज आहिस्ता आहिस्ता टूट कर जाते हैं। छाता लगाओ, छाता बल्ला जल्दी जल्दी इसके ऊपर लगाओ, मेरे बाजू के ऊपर। मैं यहाँ पाकिस्तानी बीफ भी मिल गया है। और पाकिस्तानी आती है चल आवे बोनलेस। और यहाँ पे वखरा वखरा आपको मिलता है, ना के पाकिस्तानी कसाइयाँ को जाओ तो पाकिस्तानी कसाई जो है ना वो आपको हड्डियाँ हड्डियाँ आपको दे देते हैं, और गोश्त अल्लाह जाने की कर देने वाला। यहाँ पे ये होता है कि ये देखें आपको सेपरेट ये मिल रहा है बोनलेस, और ये विद बोन, और वो चांपा, और ये देखें इतनी बड़ी गोटी, इसको क्या लिखा हुआ है टॉप साइड। तो यहाँ पे इस तरह गोश्त मिलता है जो कि बहुत ही फ़ायदा है आपको ख़रीदने में। ओके बाय, थैंक यू, शुक्रन। ये ना ये वाले इनू की कहते हैं क्रूज। हाँ ये मैनू तकरीबन 8 महीने हो गए ये मैं ढूंढ रही हूँ। इसके अंदर लगी होती थी डेट्स की वो पेस्ट, और अभी जाके मुझे ये नज़र आए हैं रीवा मॉल पर। ये लेने लगी हो चॉकलेट? हाँ। लड़की हर चीज़ काली खाती है, काली चीज़ें खाने से इंसान का दिल काला हो जाता है। ले लो, तो ये हर चीज़ काली खरीदती है, काली चॉकलेट वाली। लेकिन मैं नहीं, मैं चिट्टी चीज़ें खाती हूँ ताकि दिल चिट्टा रहे। ये देखें यहाँ पे इतने फ्लावर पड़े हैं, लेकिन मुझे कोई ख़रीद कर देने वाला है ही नहीं फ्लावर, तो फिर आई एम चुप, नो प्रॉब्लम। ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर, जस्ट देखने में ही 400-500 का सामान खरीद लिया है। सिर्फ हम देखने के लिए आई थी कि इधर क्या हो रहा है, तो जिसमें हमने परफ्यूम खरीदे हैं और फेस वॉश लहम छोटियाँ छोटियाँ चीज़ें। अभी हमने कर ली है शॉपिंग, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस टूर के। तो ये देखें मैं टूर रही हूँ, और मेरे एक हैंड में शॉपर पकड़ा हुआ है, और दूसरे हैंड में मैं आई एम खुद। तो ये देखें ये है छोटा सा फुजेरा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी द बिग ग्राउंड फॉर प्ले एनी टाइम एनी वक्त। यू कैन कम टू प्ले द क्रिकेट मैच। डेली आई वॉच द मैचेस ऑफ पीपल आर प्लेइंग हेयर। और यहाँ के सिग्नल के रूल्स कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप जैसे चाहें आवे सड़कें नंगे, जैसे चाहें सड़क क्रॉस करें, माफ़ी मुश्किल। ये देखें माफ़ी खौफ। और ये हूँ आई एम। तो मैंने आज आपको बताऊँ, मैं अपनी फ्रेंड को शॉपिंग करवाने गई, मैंने खुद ही इतने पैसों की शॉपिंग कर ली कि मेरी ईद अच्छी गुजर जाएगी। ये मैं पहनूँगी ईद पे। बहुत प्यारे सैंडल मैंने ख़रीदे हैं शेप मॉल से। तो अभी मैं जा रही हूँ, सॉरी, टूरना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। ये देखिए सनसेट हो रहा है, और कितना खूबसूरत व्यू है जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए मेरे बिहाइंड पे